है बहुत बढ़िया। तो गाइस ट्रैंकुल का सिनोनिम क्या होगा? वाइल, एजिटेटेड, काम या नर्वस, है ना। वाइल का मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत शोरगुल होना या फिर एक्सट्रीम होना। एजिटेटेड का मतलब तो बहुत ज्यादा भड़के होना, बोलते ना यार बड़ा भड़का हुआ है यार ये व्यक्ति, तो बहुत गुस्से में है। ओके, काम मीन शांत, और नर्वस का मतलब होता है वन इज वेरी बेचैन है ना, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बेचैन है, चैन है, उसे हम कहते हैं आपका नर्वस। तो ट्रैंक्विल का मतलब हो, ट्रैंक्विल के अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, कल हमने पढ़ा था सीरीन, है ना, ट्रैंक्विल, सीरीन, काम होता है इसका सिनोनिम। ओके, प्लासिड होता है, हालिकॉन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये एग्जाम में रिपीटेडली पूछते जाते हैं। ओके, ट्रैंक्विल, सीरीन, काम, प्लासिड, तो ये वर्ड्स याद रखिएगा, मतलब होता है शांति। जब हम शांति या काम की बात करते हैं, कोई व्यक्ति एकदम शांत है, काम है, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आंसर्स बहुत बढ़िया आ चुके हैं, दैट्स रियली ग्रेट। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। शादी की पार्टी से आपकी क्लास ले रहा हूं मैम, खाना खाते हो। प्रेमपाल, वाह बेटा, ये इसे कहते हैं डेडिकेशन, है ना, इसे कहते हैं डेडिकेशन। जो स्टूडेंट्स ना मुझे हैरान कर देते कि यार मेरे स्टूडेंट्स में इतना डेडिकेशन है, मुझे और डेडिकेशन लेकर आना है तुम लोगों के लिए, दैट्स रियली नाइस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। दो चार बच्चों को भी बिठा दो बगल बगल में कि देख जो जिसने करेक्ट आंसर दिया उसका ये गुलाब जामुन उसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, क्या मेंस की क्लासेस लाइव होंगी? बेटा मेंस की क्लास, मेंस का बैच आएगा, मेंस का बैच आने वाला है, सीएचएसएल का भी बैच आने वाला है। चलो, फैसिनेटिंग का सिनोनिम गाइस क्या होगा? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फैसिनेटिंग? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फैसिनेटिंग? फटाफट बताओगे इडियम, इस वर्ड का सिनोनिम बताओगे। अपीलिंग, अपीलिंग कोई चीज आपको अपील करती है, मतलब यार आईफोन देख के बंदे को लगता है यार बड़ा अपीलिंग, बड़ा सही लग रहा है फोन, है कोई चीज को देख के आपको लगे ना यार बहुत अपीलिंग है, मतलब कि अट्रैक्टिंग है ना गाइस, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करे, दैट इज योर अपीलिंग, है ना। बोरिंग है, स्टूपिड है, ये तो आप जानते हैं, और टायरिंग है यार, बोरिंग है, थका हुआ है, जैसे कोई बहुत बोरिंग सी मूवी देख लो तो आपको लगता है यार क्या है ये, क्या है ना, लाइक दैट, ठीक है। तो आपका फैसिनेटिंग है ना, बोलते यार बहुत ही ये चीज बहुत फैसिनेटिंग है, जैसे नए नए फीचर्स आते रहते हैं आजकल मोबाइल में, बहुत सारे फीचर्स आते हैं, नए नए मोबाइल आ जाते हैं उसमें खतरनाक फीचर्स आ जाते हैं, तो लगता है यार ये बहुत ज्यादा क्या है, बहुत, हाँ, मंत्रमुग्ध, वाह कौन है हमारा हीरो, बहुत सही वर्ड में, मंत्रमुग्ध कर दे कोई चीज आपको, एकदम मोहपाक्ष में बांध ले, तो उसे हम कहते हैं फैसिनेटिंग या फिर अपीलिंग, मतलब कि आपको समझ गए। मगर मैं ऐसे में सोचो आपके बहुत सारे अभी वोकैब आएगी, सिंपल, मीडियम, बोरिंग नहीं सॉरी डिफिकल्ट, और बोरिंग के रूम में तुम लोग से बात करते करते मुझसे कुछ भी निकल जाता है। अच्छा, आप लोग ने एग्जाम देकर आए हो अभी सीजीएल का, आपको लगा ना कि यार मैम ने सारा लेवल पढ़ाया, है ना, आपको लगा ना कि मैम ने मीडियम, हाई और बहुत सिंपल लेवल, सब लेवल प्रैक्टिस करवाए हैं, और क्वेश्चंस तो देख के लग रहा है कि यार ये क्वेश्चंस देखे हुए हैं, आराम से कर लेंगे, है ना। चलो ग्रेट, कंडम का सिनोनिम बता दो, और मैं भी बोलूं बार बार प्रैक्टिस करोगे तुम लोग को ऐसे क्विक, तभी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से, है ना। कंडम का सिनोनिम होगा कमेंट करना होता है, किसी को कमेंट कर रहे हो, कमेंट मींस प्रशंसा करना होता है, किसी की तारीफ, है ना, किसी को एक्सटोल करना, एक्सटोल करना, है ना, किसी को योलोजाइज करना, मीन्स भाई बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे हो। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, आ बहन चुगली करे तुझे पता है ये, ऐसे वैसे, है ना, जब बैठ के बोले कि तेरे को पता है ऐसा, जब भी कोई बात ऐसे यार तेरे को पता है, मतलब किसी की चुगली स्टार्ट होने वाली है। मैम ट्रिक से वोकैब करवाओ प्लीज, मेरा कल सीजल का पेपर है। ठाकुर बेटा ट्रिक से तो मैं वोकैब कराऊंगी, मगर अभी तुम रिलैक्स करो, है ना। ठाकुर जी आप रिलैक्स करो, अभी आपका एग्जाम है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ओके, अप्रूव करना आप जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी होता है यही पेक्स्टोल करना, तारीफ, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, हाँ तो तारीफ। तो कंडम का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंडम का सिनोनिम हो जाएगा, कंडम का मतलब है किसी के बारे में बुरा भला कहना, कंडम करना, डिनाउंस करना, डिस्पैरेज करना, ओके, डिस्पैरेज करना किसी को डिनाउंस करना, किसी के बारे में बहुत ज्यादा बुरा भला कहना, ओके गाइस दैट इज द वर्ड कंडम। हाँ, जब बोलते ना यार ये तो डैम है, ये तो डैम व्यक्ति है, तो हम किसी को कह रहे हैं ये तो हिज डैम इडियट, हिज डैम स्टूपिड, तो ऐसे याद रखना किसी को डैम कर रहे हो ना तो वो आप उसके बारे में कंडेम कर रहे हो। अगर आप किसी को डैम करो कि डैम इंसान है यार ये तो, इसके से तो शक्ल नहीं देखूंगी मैं कभी, तो वो हिज डैम और शी इज डैम, इरिटेट होते हो तो मतलब आप उसकी निंदा करोगे, है ना।
डैम हिम, छोड़ो उसके बारे में. तो जब आपके दिमाग में किसी के बारे में ऐसा कुछ है ना डैम करके, तो मतलब कि आप उसके बारे में अब अपने दोस्तों से बैठ के चुगली करोगे, रेप्रीमैंड करोगे. वेरी गुड यूलॉजी पैनिक्रिक ऑफ, वेरी गुड शुभम. एक तो मेरे स्टूडेंट्स इतने गजब है ना, मैं मेरा सीजल प्री अच्छा गया पूरे 25 अटेम्प्ट के बिकॉज ऑफ यू मैन. थैंक यू सो मच कीर्ति, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बेटा. अभी हम और भी मेन्स में तो हम लोग को बहुत अच्छा स्कोर करना है बेटा. विपुल तुम लोग के लिए बहुत अच्छे सेशंस प्लान किए हैं, ठीक है. तुम लोग क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन को लेके तुम लोग को जो डर है ना, तुम लोग के लिए मैं इतना अच्छा सेशन प्लान की हूँ कि बस तुम लोग उसको देख के खुश हो जाओगे. बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया सेशन मैं तुम लोग के लिए प्लान की हूँ. बस मुझे एक या दो दिन का टाइम दो, मैं तुम लोग को अनाउंस करूंगी. जो तुम लोग का ये डर है ना कॉम्प्रिहेंशन को लेके, क्लोज टेस्ट को लेके, आरसीज को लेके, तो वो उसके लिए मैंने बहुत अच्छा सेशन प्लान किया है. और कोई भी स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर सकता है, एसएससी का स्टूडेंट, बैंक का स्टूडेंट, सीसैट वाले स्टूडेंट सब ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आने वाले, टेंशन ना लो, ठीक है. मैम मेरा सीजल 8 दिसंबर को अच्छा गया था, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया. सिनोनिम बता दो इनगल्फ का, ड्राई, अनकवर, नेग्लेक्ट या फिर इनंडेट. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इनगल्फ करना? ड्राई आप जानते हो सूखा होता है, अनकवर ये तो आप जानते हो ना, अनबॉक्सिंग करना, अनकवर करना. एप्पल खरीद के जाते हैं तो सब लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, खुलते, मैंने भी किया था, फिर उसको मैंने अपलोड नहीं किया. मैंने मैम सारा दिन गालियां देती रहती है और फिर वही खुद हरकतें कर रही है, मैंने अपलोड नहीं की, ठीक है. नेग्लेक्ट कर देना, नेग्लेक्ट मार देना किसी को. और इनंडेट का मतलब है डूब जाना, हा? कि तेरी आंखों के में डूब गए हैं हम, मतलब समा गए हैं किसी चीजों में. तो इनंडेट इज डूब जाना, या कोई आप कोई चीज किसी चीज को इनगल्फ कर ले, मतलब उसको समा ले, हा? उसको संभाले, इनंडेट कर ले, मींस किसी को संभाले. मैम आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद धन्यवाद देवदित्य रॉय, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा. और कोशिश करूंगी कि और बेहतर पढ़ाऊं आपको, और इंप्रूव करूं, अपना और बेस्ट वर्जन आप लोगों के लिए लेकर आऊं, ताकि इंग्लिश वाला स्यापा तुम्हारे जीवन से खत्म हो जाए. निगल लेना, हाँ निगल, शुभम ये नेगेटिव वर्ड क्यों कह रहे हैं हम, मतलब निगल लेना होता है, डूब जाना होता है. अब देखो पहले आप व्यक्ति के लिए बोलते हो कि तेरी आंखों में मैं डूब गया, बाद में बोलोगे कि इसकी इसकी बातों में मैं, इसकी बातों ने मुझे निगल लिया. तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है सेंटेंस का सेंस क्या होगा. मतलब किसी चीज कोई चीज संभाले, दैट इज इनगल्फ करना. जैसे पानी में डूब जाए तो पानी पूरी तरह से कवर कर लेता है, लाइक दैट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फीलिंग बड़ी अजीब चल जाती है. वीडियो लाइक नहीं कर रहे लोग, उदय पांडे जी बिल्कुल राइट है कि वीडियो लाइक नहीं कर रहे स्टूडेंट्स. गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट. मैम वीडियो सीपी मेंस का बैच आएगा, प्लीज जल्दी स्टार्ट कर दो. अमृत मुझे बस दो दिन का टाइम दो, हो सकता है कि मैं कल तुम लोग को बता दूंगी. मैं कल शायद बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, तो वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए आप लोग लाइव आइएगा, ठीक है. मैं बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, उसके लिए अब लाइव जरूर आएगा. सुनाने बता दो ऑफेंड का, असवेज, एड, असिस्ट या फिर अनॉय. अनॉय का मतलब तो किसी को इरिटेट करना है, कि जब आपको कोई हर बात में नो नो करे ना, ना 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 ना, है ना गाइस. जैसे आप पापा से बोलो हर बात में मना कर देते हैं, तो वो नो बार बार नो अनॉय कर देता है, इरिटेट करना. अनॉय मींस किसी चीज को, किसी व्यक्ति को इरिटेट कर देना. हा? असिस्ट का मतलब अब आपको बोलेंगे ना, या आपको एक असिस्टेंट दिया जाता है, तो असिस्टेंट आपको क्या करेगा, आपके काम को, आपके काम को और हेल्प करेगा, आपको आपके काम को इजी बनाएगा. तो असिस्ट का मतलब होता है, अगर वर्ब हो या चाहे नाउन, आपको नाउन के सेंस में, तो असिस्टेंट आपको पता ना गाइस, तो असिस्ट होता है जो आपके काम को में हेल्प करता है. एड का मतलब भी सेम होता है ना, असिस्ट करना या फर्स्ट एड, तो फर्स्ट हेल्प है ना गाइस. फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट हेल्प जो मिलती है, हम लोग पहले फर्स्ट एड कर देते हैं, फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं. असवेज का मतलब होता है, अभी हमने पढ़ा काम करना, किसी को शांत करना. असवेज मींस पैसिफाई करना, हाँ किसी को पैसिफाई करना, किसी को शांत करने को हम कहते हैं असवेज करना. अब ऑफेंड का मतलब क्या होता है, कि फ्रेंड का काम क्या है, है ना गाइस. फ्रेंड का काम है ऑफेंड करना, अनॉय करना, इरिटेट करना, इसी के लिए उनका जन्म हुआ है, ये बात आप जानते हैं. फ्रेंड का काम है ऑफेंड करना, अनॉय करना है. ऐसे दोस्त होते हैं जिनको बोलो कि यार, मेरे लाइफ में भी ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे कोई भी प्लान बनाओ वो प्लान की बर्बादी ही करते हैं, मतलब उनके साथ प्लान बनता ही नहीं है, चांस ही नहीं है, बनता ही नहीं है, है ना गाइस. तो ऑफेंड और अनॉय, तो फ्रेंड का काम है ऑफेंड करना, इरिटेट करना. जब तक दोस्त आपका दिमाग ना खराब कर दे, मजा नहीं आता उन लोगों को, मतलब चैन सा नहीं पड़ता. जब मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, तो मैं अपनी फ्रेंड को फोन करके पता नहीं उल्टी सीधी बातें बोलती हूँ, और फिर मुझे थोड़ा सा लगता है कि चलो मैं ना शांति हो गई. तो दे आर योर पंचिंग बैग्स,
बैग्स है ना, फ्रेंड्स आ रहे हैं पंचिंग बैग्स, इवन आई डू दैट, मेरे को गुस्सा आता है तो मैं उसको बस उल्टी सीधी बातें बोलती रहती हूँ, फिर बोलते हुआ क्या तो बता, फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स होती, चलो अब थोड़ा सा मन कर रहा था भड़ास निकालने का, ठीक है, तो इरिटेट करना. पार्सीमनी, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ पार्सीमनी? जनरोसिटी, बाउंटी, रेडीनेस, फ्रुगैलिटी. फ्रूगल है ना गाइस, तुमको याद है मैंने तुम लोगों को दो वर्ड्स बताए थे, एक होता है फ्रूगल और एक होता है प्रोडिगल. बड़ा मस्त वर्ड है, मुझे बहुत पसंद है ये वर्ड है. एक होता है फ्रूगल, एक होता है प्रोडिगल. फ्रूगल और प्रोडिगल में फर्क क्या है? वो लड़कियां जो हर चीज फ्री में मांगती है, भैया धनिया आपने, जैसे हम भी ऐसे करते हैं, हम भी बहुत ज्यादा ऐसे करते हैं, इसको याद रखना, भूलोगे नहीं, अब नहीं भूलोगे कभी. दो प्रकार की लड़कियां होती है, दो टाइप की गर्ल होती हैं, कैसी? एक फ्रूगल होती है, एक प्रोडिगल होती है. फ्रू जो हर चीज फ्री में मांगती है, कंजूस टाइप की, कि भैया धनिया दे दो, मिर्ची दे दो फ्री में, मैंने आपके लिए आज से 10 रुपए के टमाटर लिए तो कम से कम मिर्ची तो बनती है और धनिया भी बनती है ना. जो हर चीज भैया यार ये दियो तो इसके साथ भी थोड़ा सा फ्री दे दो, क्या जाता है आपका, है ना. तो जो लोग हर चीज फ्री में मांगते हैं ना, दैट इज फ्रूगल, है ना गाइस. जो कंजूस होते हैं, मतलब कि बहुत किफायती भी कह सकते हो, जो मतलब कि बड़े खर्चा नहीं करते, खर्चा करना ही नहीं चाहते, है ना गाइस. और प्रोडिगल, प्राडा, आपको पता है एक ब्रांड का नाम है प्राडा. प्राडा आपकी एक ब्रांड है विच इज वेरी एक्सपेंसिव ब्रांड. तो जो लड़की बोले कि भैया मेरे को प्राडा दिलाओ तभी, है ना गाइस, की मैनू गुच्ची अरमानी, कोई गाना भी है प्राडा के ऊपर, है ना. तो मतलब जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट है, एक्स्ट्रा सॉरी वैगेंट है, तो जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वैगेंट है वो आपका हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला. खर्चीला इस एक्स्ट्रा वैगेंट. प्रोडिगल और फ्रूगल इस जो हर चीज को फ्री में मांगे, है ना. अब नहीं भूलोगे मैम फ्रूगल, मैं तो फ्रूगल हूं बिल्कुल. जेनरोसिटी, जेनरस होना मीन्स दिल, जेनरस, जेनरस होना मीन्स दिल खोर के लुटाने वाले को जेनरस, जेनरस कहते हैं. और उसके नाउन फॉर्म जेनरोसिटी, उदारता, उदार का नाउन फॉर्म हो जाएगा उदारता. बाउंटी का मतलब आप जानते हैं, वो जो लॉटरी लग जाती है ना, बाउंटी. और रेडीनेस का मतलब होता है तात्परता. रेडीनेस मीन्स हर काम के लिए रेडी है. जैसे बचपन में मुझे याद है मुझे कहा जाता था, मैं अब नहीं रही वैसी, आपके साथ भी होगा कि बोलते थे कहीं भी जाना हो, मेरी दादी और मेरे लिए कहीं भी जाना हो, इनमें फट रेडी हो जाते हैं. हम लोग को कहीं जाना था, मैं और दादी रेडी होते थे कि हम तो जाएंगे, है ना. इस तो रेडीनेस, तो फटाफट रेडी, तो मैं बहुत ज्यादा क्विक होते हैं किसी चीज में, मतलब हर काम को करने के लिए एकदम क्विक होते हैं, दैट इज रेडीनेस. ओके, पार्सी मनी, जो अपने पर्स, इसका ट्रिक क्या था कि जो अपने पर्स से मनी नहीं निकालते, हाँ, ऐसे कंजूस लोग जो अपने पर्स से मनी नहीं निकालते, जो लोग अपने पर्स से ट्रिक्स करवा रही हूँ. अभी कोई स्टूडेंट ने कहा मैम प्लीज ट्रिक बता दो, इसलिए साथ में ट्रिक्स भी दे रही हूँ. मैंने आपको पूरी वोकैब, जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि मैंने पूरा सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब कुछ ट्रिक से करवाया हुआ है. तो वही कुछ 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 समझा रही हूँ आपको. जो अपने पर्स से मनी नहीं निकालते, पार्सी मनी, कंजूस, है ना गाइस. फ्रूगल, जो अपने पर्स से मनी ना निकाले, दे आर फ्रूगल, दे आर कंजूस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आगे आ जाते हैं. अपेरेंट का सिनोनिम क्या होगा? डूबियस होगा, ऑब्वियस होगा, डाउटफुल होगा, या फिर ऑब्स्क्योर होगा. डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल. डूबियस का मतलब होता है जिसमें आपको, मतलब जिन पे आपको डाउट लग रहा है कि यार ये इतना अच्छा अच्छा या इतना अच्छी बन रही है, लग नहीं रहा, ऐसा मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, तो मीन्स वन इज डाउटफुल, डूबियस है, नहीं लग रहा. ऑब्वियस मीन्स ऑब्वियस यार, ये तो मतलब जाहिर सी बात है, तो जाहिर होना दैट इज ऑब्वियस. डाउटफुल और डूबियस दोनों सिनोनिम है. ऑब्स्क्योर का मतलब क्या होता है? ऑब्स्क्योर, अच्छा इसको ऐसे करो ना गाइस, आप इनसिक्योर कब फील होते हो? जब आप ऑब्स्क्योर हो, अस्पष्ट हो कि बंदा मेरे साथ रहेगा या चले जाएगा, हाँ गाइस. तो ऑब्स्क्योर का मतलब होता है अस्पष्ट होना, समथिंग जो चीज क्लियर नहीं है. तो ऐसे याद रखना कि इनसिक्योर इंसान ऑब्स्क्योर सिचुएशन में होता है. अगर सिचुएशन क्लियर है तो इनसिक्योरिटी वाली बात ही नहीं है, है कि नहीं. तो इनसिक्योर व्यक्ति ऑब्स्क्योर होता है, मतलब उसके जीवन में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, अस्पष्ट नहीं है, धुंधला है जीवन में. ओके, और अपेरेंट का, अपेरेंट का मतलब होता है कोई चीज स्पष्ट है, ओके, कोई चीज एकदम क्लियर है, समथिंग विच इज वेरी मच क्लियर, दैट इज नोन एज अपेरेंट. अब इसका ट्रिक मैंने आपको पता क्या दिया था, आपको वही आप अच्छे लगते हैं, आपको वही आप अच्छे लगते हैं जो कि बहुत अपेरेंट होते हैं, जो बहुत क्लियर है, बहुत इजी है, बहुत ऑब्वियस है चलाने में, जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता. तो सिनोनिम हो जाएगा अपेरेंट का आपका ऑब्वियस, हाँ सिनोनिम आ जाएगा आपका ऑब्वियस, सिनोनिम विल बी ऑब्वियस. कई सेशन को आपने शेयर किया है क्या? मुझे लग नहीं रहा कि आप लोगों ने सेशन को शेयर किया. सेशन को शेयर कर रहा हूं यार, आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ. आप लोग एग्जाम देकर आए हो, अब तो तुम लोग को रियलाइज हुआ होगा कि यार मैम ने हमारे लिए मेहनत तो की है. अब आप लोग सीजन पेपर देकर आए हो प्री का, तो आपको रियलाइज होगा हाँ यार मैम ने हमारे लिए मेहनत की है. तो एटलीस्ट थोड़ा सा हेल्प करो, मैम को भी सेशन वेशन शेयर करो. ओके,
बलप्रीत तुम्हारा जीवन पता नहीं कब सुधरेगा। रिडंडेंट का सिनोनिम, कल ये वर्ड हमने किया था, रिडंडेंट का सिनोनिम क्या होगा? अननेसेसरी, अनसुटेबल, अनइंटरेस्टेड है या फिर अनपैरेलल्ड है। हरीश, मैं कल अनाउंस करूंगी कि मेरे इंग्लिश का कोर्स आपको कहाँ मिलेगा। सीजीएल मेंस, सीजीएल सीपीओ मेंस और सीएचएसएल प्री का कोर्स आपको कहाँ पे मिलेगा, ये सब मैं कल अनाउंस करूंगी। बस मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, आई विल अनाउंस इट टुमारो 100%। ठीक है, थैंक यू सो मच दिव्यांश। ओके चलो जी, तो रिडंडेंट का अननेसेसरी समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड, अननेसेसरी जरूरत नहीं है। अनसुटेबल जो कि आपको सूटेबल नहीं, अनइंटरेस्टेड आप बहुत अच्छे से जानते हो, एंड अनपैरेलल विच इज नॉट पैरेलल, पैरेलल मींस सीधी लाइन में नहीं है। अनगेस तो रिडंडेंट मींस कोई चीज जिससे आप डन हो। याद है कल हमने ट्रिक डिस्कस किया था कि आई एम डन, तो बोलते ना यार आई एम डन विद दिस, मतलब कि यार अब मेरे को जरूरत नहीं है। तो किसी चीज की अब आपको जरूरत नहीं है, यू आर डन विद दैट। तो वेन यू आर डन विद समथिंग दैट इज अननेसेसरी फॉर यू, राइट कल किया था हमने कि आप बोलो ना यार आई एम डन विद दिस, हो गया मेरा इससे, हाँ या हो गया मैं नहीं और खाऊंगा। जैसे आपने बहुत मीठा खा लिया तो इट इज रिडंडेंट, आप मेरे से और खाया नहीं जाएगा, सो दिस इज वेरी अननेसेसरी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रिवियल का सिनोनिम गाइस क्या होगा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ट्रिवियल? मैम आप वीडियो कॉम्प्रिहेंशन और 50 आता है, मैं कब करवाओगे? आपके जल्दी करवाऊंगी, जल्दी करवाऊंगी। मैं अभी थोड़ा सा रेगुलर हो रही हूँ, बीच में मैं रेगुलर नहीं थी ना, इस वजह से अभी तुम लोग को ब्रशअप और तुम लोग को वार्म अप करवा रही हूँ वो कैब से। बट आई विल ब्रिंग दी अदर सेक्शंस एज वेल, डोंट वरी, आपके लिए अदर सेक्शंस भी आएंगे। ऐसा मैं सोचे कि वो कैब ही मैम करवा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये मैं बीच में थोड़ा गैप में थी तो मैं तुम लोग को और खुद भी वार्म अप कर रही हूँ। विल कम विद द टॉपिक्स, डोंट वरी। ट्रिवियल का सिनोनिम क्या है? वार्म है, मीनिंगफुल है, एसेंशियल है, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है कोई चीज ऊपरी ऊपरी, जैसे कि पानी, जैसे आप किसी पॉन्ड को देखते हैं तो ऊपर ऊपर अगर जो चीजें हैं दैट इज सुपरफिशियल, और बहुत ज्यादा डीप है तो डीप का ऑपोजिट होता है सुपरफिशियल, मतलब छिछला, हिंदी में कहते हैं छिछला, है ना गाइस। तो सुपरफिशियल इज समथिंग विच इज ऑफ, मतलब ऊपर ऊपर से, जैसे बोलते हैं ना इसको बहुत सुपरफिशियल नॉलेज है, इसमें एक वर्ड आता है ऐसे आपका सेंटेंस भी यूज करते हैं, ही हैज वेरी सुपरफिशियल नॉलेज, दैट मींस उसको बस ऊपर ऊपर का आता है, उसको डीप नॉलेज नहीं है। एंटोनियो मुझे कहा शी हैज डीप नॉलेज इन दिस टॉपिक, मतलब उसको डीप नॉलेज इस टॉपिक पे, ठीक है। सीएचएसएल का बैच कब आएगा मैम? अंशिका कल अनाउंस करूंगी 100%, ठीक है, कल अनाउंस कर रही हूँ। आपका सीएचएसएल का भी बैच अनाउंस करूंगी, सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस का भी बैच अनाउंस करूंगी। गिव मी जस्ट वन डे एंड आई विल अनाउंस इट, कल आप लोग लाइव जरूर आइएगा, ठीक है। हाँ चलो, वार्म आप जानते हैं, मीनिंग ऑफ फुल आप जानते हैं, एसेंशियल आप जानते हैं कोई चीज इंपॉर्टेंट है। ओके कोई चीज इंपॉर्टेंट है। अब ट्रिवियल का मतलब होता है समथिंग विच इज ऑफ नो यूज, नो इंपॉर्टेंस, है ना गाइस। तो सुपरफिशियल, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ होना, ज्यादा इंपॉर्टेंट ना होना, ठीक है। बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं, हाँ शैलो, वी कैन से शैलो, वेरी गुड ज्योतिकेश, ठीक है। तो कोई चीज ट्रिवियल मींस कोई चीज समथिंग विच इज ऑफ नो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तुच्छ है, उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, दैट इज योर, ठीक है। हाँ मैम प्लीज, हाँ जी सूरज गुप्ता जी बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, स्कैंटी का सिनोनिम क्या होगा? इनफ है, एडिकेट है, प्लेंटीफुल है या फिर मीगर है? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्कैंटी? स्कैंटी का सिनोनिम गाइस क्या होगा, जल्दी से क्विकली बताएंगे। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्कैंटी? मीगर है, प्लेंटीफुल है, एडिकेट है या इनफ है? मीगर का मतलब होता है कम, ये वर्ड हमने कल भी किया था, मीगर का मतलब होता है कम है, कोई चीज बहुत कम मात्रा में। अब आपको पता ही है, इनफ मीन्स पर्याप्त है, एडिकेट पर्याप्त है, प्लेंटीफुल मीन्स बहुत ज्यादा है, रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, प्लेंटीफुल है। ओके अगेस तो स्कैंटी का मतलब होता है कम, स्कैंटी का मतलब होता है कम होना, है ना गाइस। स्कैंटी का मतलब होता है मीगर होना, तो कर लोगे, सिंपल वर्ड है, स्कैंटी होना, मीगर होना, की चीज बहुत कम मात्रा है, नंबर्स में होना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगेस चलो, फटीक का सिनोनिम क्या है? वर्ड आपने कई बार पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ है, फटीक का सिनोनिम क्या है बताएंगे सिनोनिम। ओके, लाइवलीनेस है, वियरनेस है, अर्नेस्ट है या फ्रेशनेस है, क्या होगा? डर्थ, डेफिशियंसी ऑफ समथिंग, वेरी गुड। डर्थ होना, मीगर होना, स्कैंटी होना। ओके मैम सीएचएसएल का प्रीवियस करा दो बेटा, करवा दूंगी मैं सारे क्वेश्चन, सब कुछ करवा दूंगी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आप लोगों के लिए धीरे धीरे सेशन आएगा, आपको पता है मैं अभी पूरा दिन फीवर में पड़ी रहती हूँ, फिर इस टाइम दवाई खाती हूँ, हिम्मत गादर करती हूँ, फिर आ रही हूँ क्लास में। मेरा हाल अभी
मेरे हालात ऐसे हैं मैं बता नहीं सकती, बट पूरी कोशिश करें। मैं को बहुत सारी क्लासेस लेकर आने तुम्हारे लिए, बट मेरे में अभी बिल्कुल एनर्जी नहीं है। मैं बहुत हिम्मत करके वाली क्लासेस ले रही हूँ, तो मैं आऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, आई विल ब्रिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेशंस फॉर यू गाइस, डोंट वरी। ओके, फ्रेशनेस आप जानते हैं, अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब, अर्नेस्ट का मतलब तत्परता होता है ना, तत्पर मीन्स किसी चीज के लिए यू आर रेडीनेस है ना। अर्नेस्ट होना अभी पढ़ा था, रेडीनेस होना मीन्स किसी चीज के लिए एकदम रेडी हो। वियरीनेस, वियरीनेस, वियर, आपको मैंने ट्रिक कराया था, वियरीनेस, वियर कपड़े पहन पहन के, जब आप कपड़े चेंज कर करके थक जाते हो तो बहुत ज्यादा थक जाना इस वियरीनेस है ना, जब बहुत ज्यादा थक जाते हो उसे हम कहते हैं वियरीनेस। और लाइवलीनेस आप जानते हो है ना गाइस, तो इसका ट्रिक याद है मैंने आपको करवाया था कि जब हम लोग शॉपिंग में जाते हैं हमें कुछ ड्रेस लेनी होती है तो हम ट्राई कर करके वियर कर करके वियरीनेस हो जाते हैं, फटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं, है ना गाइस। तो वियर कर करके कपड़े, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स की तो आदत है, हम एक शॉप से ले ही नहीं सकते, हम 10 शॉप देखेंगे, 10 कपड़े ट्राई करेंगे, हर जगह के 10 कपड़े ट्राई करेंगे, फिर सोचेंगे यार पहले वाले से ही ले लेते हैं, ये हमारी आदत है, अब मजबूर, हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज का, वी आर सो सॉरी फॉर दैट, बट क्या करें। तो वियरीनेस हो जाता है, फटीग हो जाता है, थक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कंप्लेसन का सिनोनिम, और ये वर्ड आप कई बार कर चुके हो, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंप्लेसन। थैंक्स अ बंच फॉर ह्यूमन सर्विस मैम, टू बी ऑनेस्ट यू टीच अमेजिंग, थैंक यू सो मच सौरभ गुप्ता जी, थैंक यू सो मच, एंड आई विल इम्प्रूव, मेरे को और लगता है कि मुझे और इम्प्रूव करना है और बेहतर करना है आप लोगों के लिए, एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव ईच एंड एवरी डे, एंड आई विश कि मैं और बेहतर आप लोगों को पढ़ा सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, कल भी हमने ये वर्ड पढ़ा था, फ्रेंडली होना, एमिएबल, एमिएबल वर्ड भी होता है इसका, एमिएबल होना, ओके, एमिएबल होना, एमिकेबल होना, फ्रेंडली होना, ओके। डिसकंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है सैटिस्फैक्शन, कंटेंट का मतलब होता है सैटिस्फाइड, और इसके साथ दिस लगा दोगे तो मींस वन हु इज अनसैटिस्फाइड, जो कि असंतुष्ट व्यक्ति है, जो कि असंतुष्ट है, दैट इज डिसकंटेंट। तो याद रखना, जिसके पास अच्छा कंटेंट होता है वो सैटिस्फाइड होता है, जिसके पास अच्छा कंटेंट होता है ही इज ऑलरेडी सैटिस्फाइड। स्मग है ना गाइस आपका, और एग्रेसिव, एग्रेसिव आप जानते हैं बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, तो आपका सिनोनिम हो जाएगा, कंप्लेसेंट का मतलब हो जाएगा वन हु इज सैटिस्फाइड, है ना। तो वन हु इज सैटिस्फाइड, तो आपका सिनोनिम ये हो जाएगा, ये और आपका एंटोनिम हो जाएगा। अग्रेसिव आप जानते हैं, एजिटेटेड होना, अभी हमने वर्ड पढ़ा एजिटेटेड होना, बहुत ज्यादा गुस्सैल होना, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, आगे आते हैं, फ्लरिश का सिनोनिम गाइस क्या होगा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्लरिश, वेदर, लैंग्वेज, थ्राइव या फिर श्रिवल, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ, हाँ, मग भरा हुआ है, सैटिस्फाइड है, मग जब भरा हो तो आप सैटिस्फाइड होते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया है। फ्लरिश का सिनोनिम बता दो, विदर है, लैंग्वेज है, थ्राइव है या फिर श्रिवल है। विदर का मतलब होता है, हम आपने ये वर्ड कहाँ पे, ऐसे कर लो कि वेदर चेंज होता है ना तो बंदा विदर हो जाता, मुरझा जाना, जब वेदर चेंज होता है तो पेड़ पौधे ना मुरझाने लगते हैं, है ना गाइस। तो वेदर चेंज होने में विदर हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, पतझड़ आते हैं, वेदर चेंज होता है, पतझड़ आते हैं, तो विदर हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है लेजीनेस होना, लैंग्वेज का मतलब होता है लेजीनेस, है ना गाइस। लिथार्जी होना मतलब बहुत ज्यादा आलसी होना, ओके। थ्राइव का मतलब होता है ग्रो करना, हाँ, थ्राइव का मतलब होता है ग्रो करना। श्रिवल का मतलब भी आपका वही थकावट हो जाएगा, सॉरी विदर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लरिश का मतलब होता है ग्रो करना, तो सिनोनिम हो जाएगा थ्राइव करना, है ना गाइस। थ्राइव का मतलब भी होता है ग्रो करना, है ना, थ्राइव और फ्लरिश करना। तो देखो, फ्लरिश करना तो सिंपल वर्ड आई थिंक कर ही लोगे, और थ्राइव सिंपल वर्ड कर लोगे, इसका ट्रिक देना, मैम आप क्यों मुरझाए हैं। बेटा यार मैं अभी जीवन में ना बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत जगह से कष्ट चल रहा है, हेल्थ वाइज भी कष्ट चल रहा है और बहुत सारी जगहों में कष्ट चल रहा है, बट वही वाली बात है ना, वो कौन सी कहावत है कि बिन लड़े वो कुछ होता नहीं है, तो बस वही है कि लड़ना तो है जीवन में, हार नहीं मानना, हार मानने वाले लोग उनमें से हम है नहीं, तो हम हमेशा जो भी है ठीक है, मगर आगे बढ़ने की, जो चीज़ हो गई सो हो गई, आगे का सोचो, अब आगे नेक्स्ट क्या करना है। मैं तो लाइफ में वही सोचती हूँ कि जो मेरे पास्ट में हो गया हो गया, अब आगे मुझे क्या करना है, दैट सेट, मैं पास्ट छोड़ देती हूँ, तो वही बस आगे के लिए तरफ सोच रही हूँ, तो थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा है, समझे। चलो, परपेचुएट का सिनोनिम क्या है, सीज है, सीज वर्ड मैंने कल भी करवाया था, आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। प्रिजर्व है, प्रिवेंट है या फिर रिलीज है, क्या होगा सिनोनिम, सीज है,
सीज का मतलब होता है रोकना, याद है कल करवाया था सीज, और ये वाला सीज भी वर्ड बताया था आपको, सीज का मतलब होता है कब्जा कर लेना, राइट right? ये भी बताया था. प्रिजर्व का मतलब होता है संभाल के रखना, जैसे मम्मी इसकी बॉडी को कुछ कुछ मसाले मसूले डाल के प्रिजर्व करके संभाल के रखी गई है बॉडीज, है ना, मम्मी बन जाती तभी. तो किसी चीज को संभाल के रखना, दैट इज प्रिजर्व करना. प्रिवेंट करने का मतलब होता है किसी को रोकना, ओके okay? और रिलीज तो आप जानते हैं, तो करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, यू आर टू गुड. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम. बी हैप्पी, बी पॉजिटिव. आई ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव एंड हैप्पी. मैं ज़्यादा दिल में दुख को लेके नहीं चलते, छोड़ो यार, जीवन में चलता रहता है, ये तो जीवन का पार्ट है कि नहीं. वेदान इज लाइक, मैम आप तो हट्टे कट्टे हो, आप तो लड़कों को पटक सकते हो, ये प्रॉब्लम क्या चीज आपके. क्या यार वेदान, तुम तो मतलब तारीफ में बेइज्जती कर रहे हो, मगर ठीक है, थैंक यू सो मच. पंजाबियों का खून है, हट्टे कट्टे होना बनता है कि नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, डिसर्न का सिनोनिम क्या है, डिसर्न का सिनोनिम क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट है, डिसरिगार्ड है, परसीव है, या फिर डोंट है. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. दिल जले, मेरे घर वाले चिल्ले, उनको पता है. डोंट, देखो इसका डोंट का मतलब, इसका मैंने ट्रम को ट्रिक कराया था, टॉन्ट है ना, टॉन्ट छोटा सा लिख लूं. लोग टॉन्ट क्यों मारते हैं, आपको लोग डराना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं, आपको डिस्करेज करना चाहते हैं. तो डोंट का मतलब होता है एक तरह से आपको डिस्करेज करना, है ना. जो लोग आपको बहुत ज्यादा टॉन्ट मारे ना, और बताओ आजकल बड़े हो रहे हो, है क्या बात है, बहुत पैसा आ गया है, इस टाइप का, भैया आपका लड़का तो दिखता नहीं है, सारे दिन बाहर, मतलब कुछ ना कुछ इस टाइप की टॉन्ट मारते हैं आंटियां. तो वो दे ट्राइंग टू डिस्करेज यू, दे ट्राइंग टू सेइंग अरे आजकल कहाँ गवर्नमेंट जॉब लगती है, आज तो बहुत पैसा चढ़ाना पड़ता है, भैया कहाँ गवर्नमेंट जॉब में बेटा अपना करियर खराब करे, ऐसे टाइप की जो बातें बोलते हैं ना कुछ आंटियां लोग. तो दे आर ट्राइंग टू डॉन्ट यू, टॉन्ट मार के डॉन्ट करें, डिस्करेज करें. परसीव का मतलब तो वेन्यू रिसीव समथिंग, मतलब आप किसी चीज को परसीव समझ रहे हो, इसको ऐसे करना, व्हेन यू ट्राइंग टू रिसीव एंड अंडरस्टैंड समथिंग, दैट इज परसीव करना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना. डिसरिगार्ड मींस डिसरिगार्ड कर देना, और किसी को मतलब रिगार्ड ही ना देना, और नेग्लेक्ट करना. तो डिसर्न का सिनोनिम हो जाएगा गाइस परसीव करना. देखो इसको, देखो परसीव करना मीन समझना किसी चीज को, तो इसको कैसे याद करोगे, डिसर्न का मतलब डिस्टिंग्विश, डिसर्न का मतलब है कि आप जब पहचान पाते हो किसी चीज को, डिस्टिंग्विश कर पाते हो कि ये चीज ये है और ये चीज ये है, आप उसको समझ पा रहे हो, दैट इज डिसर्न करना. ठीक है, आप किसी चीज को समझ पा रहे हैं, दैट इज डिसर्न करना. बेटा मुझे ना यहाँ पे बहुत कम लाइक्स दिख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ना करने का तुम लोगों ने क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है, है? चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. कल ही तुम लोग को एक टारगेट दिया कि जल्दी से जल्दी हमें 100K पहुंचना है, है ना, जल्दी से जल्दी हमें 100K पहुंचना है, उसके बाद हमें अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करनी, तो जल्दी से 100K पहुंचाना है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो. इनिमिकल का सिनोनिम क्या है गाइस, डेलिब्रेट है, कंपैरेबल है, इन्फ्लुएंशियल है, या फिर हॉस्टाइल है. इसका ट्रिक मैंने आपको कल भी दिया था, हॉस्टल में सिर्फ हॉस्टाइल, मतलब ज्यादातर हॉस्टाइल रिलेशन होते हैं. आपने हॉस्टल की हॉस्टल लाइफ देखी होगी, आपके दो चार दोस्त बनते हैं, और दो चार से ज्यादा आपके दुश्मन बन जाते हैं. तो हॉस्टाइल रिलेशन मतलब कि एक तरह से बैड रिलेशंस होना, दुश्मनी होना कह सकते हैं. तो याद रखना, हॉस्टाइल में ग्रुप्स बन जाते हैं, फिर उसमें होती है दुश्मनी. इन्फ्लुएंशियल, तो आजकल इन्फ्लुएंसर्स, आपको पता है आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो दे इन्फ्लुएंस यू, दे कहीं ना कहीं देखो वो आपको परसुएड करते हैं कि बेटा ये ले लो, ये ले लो, ये चीज बहुत अच्छी, दैट लाइक दैट. कंपेरेबल, जिसे आप कंपेयर कर सकते हैं. एंड डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के, डेलीब्रेटली मतलब जानबूझ के कोई एक्शन को किया क्या है, है ना गाइस. तो डेली कोई व्यक्ति अगर लेट आ रहा है तो वो डेलीब्रेटली कर रहा है ना गाइस. मैं मेरी टोन मार दे, कोई बात नहीं बेटा, तुम पढ़ाई में फोकस करो, इग्नोर मारो, ठीक है. चलो तो एनिमिकल का सिनोनिम हो जाएगा हॉस्टाइल, जहां पे एनिमी बन जाए. इसका तो ये वर्ड तो अपने आप में क्लियर है, जहां पे आपके एनिमी बने वो एनिमिकल है, जहां पे एनिमी बने वो एनिमिकल है, राइट गाइस. एनिमी बन जाए वो आपका इनिमिकल ही होगा, जहां एनिमी बने वो इनिमिकल है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस. वेनरेबल का सिनोनिम क्या होगा,
ओके जल्दी से बताएंगे व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ वेनरेबल. रिलायबल है, वैल्यूएबल है, एस्टीम्ड है या फिर रिडीम्ड है. साइकोफैन का मतलब चापलूस होता है. यस बिल्कुल कष्टो. रिडीम तो आप जानते हो, आपको कूपन्स दिए जाते हैं किसी चीज को रिडीम करने के लिए, पाने के लिए. स्टीम जिसकी ऐसे याद रखना, स्टीम कार जैसे आज की डेट में मर्सिडीज ऑडी की वैल्यू, एक टाइम पे स्टीम का अपने ही स्टीम था, अलग ही जलवा था. तो स्टीम की मतलब क्या कह सकते हैं, ख्याति जिसकी अपनी रिस्पेक्ट हो, इमेज हो, दैट इज स्टीम्ड. ओके समथिंग वैल्यूबल मीन्स कोई चीज कीमती है. और रिलायबल मीन्स रिलायंस पे आप रिलाय कर सकते हो. रिलायबल का मतलब होता है किसी पे भरोसा कर सकते हो. ठीक है, रिलायबल मीन्स जिसपे यू कैन रिलाय कर सकते हो, जिसपे आप डिपेंडेबल भी कह सकते हो, किसी आप डिपेंड कर सकते हो, उसे हम कहते हैं रिलायबल. ओके तो वेनरेबल का मतलब क्या होता है, वेनरेबल है ना, स्टीम 10% ऑफ रिस्पेक्ट. ओके तो वेनरेबल का मतलब होता है व्हेन यू आर, इसको ऐसे करना, वेनरेबल जिसकी कहानी नरेट करने के योग हो, मतलब की योग हो, जिसकी कहानी नरेट करने के योग हो, जो नरेटेबल है वो वेनरेबल है. जिसकी कहानी या ऑटोबायोग्राफी या जिसपे मूवीज बन रही है उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, वेनरेबल है ना गाइस. जिसकी कहानी नरेटेबल है, जिसकी कहानी को नरेट किया जा सकता है, जिसकी कहानी से आप एक यू कैन टेक सम इंस्पिरेशन, इन दैट केस वी कैन सेड ही इज वेनरेबल, ही इज स्टीम, ही हैज ग्रेट रिस्पेक्ट इन एवरीवन्स आईज. इंसिसेंट का सिनोनिम गाइस क्या होगा, इनकॉन्स्टेंट है, इंटरमिटेंट है, ट्रांजिएंट है या फिर परसिस्टेंट है. क्या आंसर आएगा, परसिस्टेंट का मतलब होता है, देखो सिस्टर जो होती हैं वो परसिस्टेंट होती हैं, दुखी मतलब किसी भी काम को सिस्टर्स आर परसिस्टेंट, ऐसे कर सकते परसिस्टेंट कर सकते हैं, या फिर पारसी से भी कर सकते हैं. ये ट्रिक सिंपल वर्ड है, ये आप लोग जानते हैं. परसिस्टेंट का मतलब होता है जो चीज, कोई चीज जो लगातार किसी चीज को आप कर रहे हैं, दैट इज परसिस्टेंट है ना गाइस. किसी एक्शन को आप लगातार कर रहे हैं उसे हम कहते हैं परसिस्टेंट. तो सिस्टर जो होती हैं किसी भी इरिटेट करने के लिए परसिस्टेंट होती हैं, कंप्लेन करने के लिए भी परसिस्टेंट होती हैं, लगातार तुम्हारी क्लास लगवाती रहती हैं, है ना. ट्रांजिएंट का मतलब होता है, कल भी पढ़ा था, क्षणिक. ट्रांजिएंट का मतलब हुआ आने वाला पल जाने वाला है, है ना गाइस. तो ट्रांजिएंट, क्षणिक, एफिमेरल, फ्लीटिंग मतलब आया और चला गया, है ना गाइस. मैं आया श्री, मैं गया श्री, तो आपका ट्रांजिएंट है. इंटरमिटेंट आजकल चल रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग. इंटरमिटेंट का मतलब है रुक रुक के, रुक 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 अरबा रुक, है ना गाइस. तो इंटरमिटेंट इज इंटरवल्स में, कोई एक्शन जो इंटरवल्स में हो रहा है, दैट इज इंटरमिटेंट. ओके एंड इनकॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का ऑपोजिट जो चीज रुक रुक के हो रही है. तो इंसेसेंट का मतलब होता है बिना रुके, हाँ. इंसेसेंट का मतलब होता है जो बिना रुके, दैट इज परसिस्टेंट. इंसेसेंट का मतलब होता है कोई चीज जो रुके ना, उसे हम कहते हैं इंसेसेंस. मैम प्लीज डू पर मंथ हो जाती है कि मैं भी एक YouTube चैनल खोलना चाहना. वाह बेटा, एदा एच डिपेंड करता है, एवं नहीं कह सकते कि किन्नी जिनी मेरी हो रही उन्हें थर्डी आ जाएगी. हो सकता है मेरी अर्निंग तो ज़्यादा वध तुसी कमा लो, तो एवं कुछ भी नहीं है. डिपेंड करता तुसी केड़ा कॉन्टेंट रिलीज कर रहे हो, जनरल पब्लिक वास्ते रिलीज कर रहे हो, तो जो कॉन्टेंट है वॉचिंग वधिया है, तो वह व्यूज वधिया आने तो मतलब व्यूज तो एड्स आने तो इनकम हो जाएगी. डोंट वरी अबाउट दैट एंड डोंट कंपेयर. हो सकता है कि आप मुझसे भी बेहतर कर लो, तो डोंट टेक इट लाइक दैट. ओके चलो, सैंक्शन का सिनोनिम क्या होगा, डिनाइल है, ग्रेस है, मर्सी है या फिर अप्रूवल है. तो अप्रूवल मिलना, किसी चीज की सहमति मिल जाना, जैसे भगवान आपको पापा ने बोला कि जाओ बेटा गोवा दे चले जाओ, ये अप्रूवल जो है. मैं सपने होते हैं अपने, तो अपने सपने तो सपने होते हैं. तो अप्रूवल, मर्सी का मतलब होता है कि दया, भगवान दया भावना होना, ग्रेस आप किसी में ग्रेस होना, ओके सिंपल वर्ड है. एंड डिनाइल का मतलब तो मना कर देना, ठीक है. अच्छा डिनाइड का मतलब क्या होता है, ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था. डिनाइल मीन्स आपका आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट, है ना, दो लिस्ट होती है, डिनाय वाली एक अलग, फ्रेंड रिक्वेस्ट डिनाइड, तो मना कर देना. तो सैंक्शन का मतलब होता है किसी चीज का अप्रूवल मिल जाना. सिंपल वर्ड्स है आज, बहुत सिंपल वर्ड्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, हम लोग आगे आते हैं. जय पार्टी का सिनोनिम गाइस क्या होगा, प्रमोशन है, प्रिवेंशन है, पेरिल है, प्रोटेक्शन है. मैम ला 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 तुम लोग उसे गाना गवाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा होगा नहीं बेटा जी. नीति सेरा क्रैक
एक बात बताओ, स्टूडेंट्स पोल में क्यों नहीं आंसर देने, पोल में आंसर दो ना, फायदा होता तुम लोग को पोल में। चलो जी, जे पार्डी का सिनोनिम क्या है? प्रमोशन है, प्रिवेंशन है, पेरिल है, प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन का मतलब आप जानते हैं, है ना गाइस, पेरिल का मतलब होता है खतरा, है ना। तो परी मैम बहुत पेरिल है, मतलब खतरा है तुम्हारे जीवन के लिए, राइट, खतरा। तो समथिंग विच इज डेंजरस, दैट इज पेरिल। प्रिवेंशन का मतलब होता है किसी चीज को रोकने की कोशिश करना, और प्रमोशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जेपार्डी का मतलब होता है कि जिएगा या पार हो जाएगा। तो कोई व्यक्ति है ना, कुछ ऐसा काम करने जा रहा है, तो हमको पता है कि यार खतरे वाला काम कर रहा है, तो पता नहीं जिएगा या पार हो जाएगा, मतलब वी डोंट नो कि क्या होगा इसका। तो जेपार्डी का मतलब होता है समथिंग विच इज ऑफ वेरी रिस्की, है ना, कोई चीज रिस्की है, रिस्की है, डेंजरस है कोई चीज, ओके। तो कोई चीज डेंजरस है, रिस्की है, पेरिल है, ओके। कोई चीज पेरिलस, पेरिलस वर्ड भी आता है इसके लिए, पेरिल से पेरिलस वर्ड भी बन जाता है आपका एडजेक्टिव फॉर्म, पेरिलस होना, समथिंग विच इज वेरी डेंजरस, हजार्डस होना, यस yes. ठीक है मैम, आप डेंजर नहीं हो अरे यार अपने नाम से टिक, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। इग्नोमिनी का सिनोनिम क्या होगा, चलो बता दो, मोरालिटी, वर्च्यू, डिस्ग्रेस या फिर स्टीम। प्रदीप, शुभम, ओम प्रकाश, ज्योति, शुभम, शेर सिंह, आंचल, वानी, ओके। चलो लेट मी नो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इग्नोमिनी, मोरालिटी, वर्च्यू, डिस्ग्रेस या फिर स्टीम, क्या होगा। फुल कोर्स उमर मैं कल अनाउंस करूंगी फुल कोर्स कहाँ पे आएगा बेटा, ठीक है। चलो, तो इस्टीम का मतलब हमने अभी पढ़ा, रिस्पेक्ट होता है, वैल्यू होती है। डिस्ग्रेस बोलते ना, इसने हमारी इज्जत पे पूरा इज्जत खराब कर दी हमारे, है ना, इज्जत पे दाग लगा दिया, ही इज अ डिस्ग्रेसफुल पर्सन, है ना। तो वन इज डिस्ग्रेस, ये तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, तो डिस्ग्रेस वो हो जाएगा, वर्च्यू और मोरालिटी, है ना। तो वर्च्यू या फिर मोरालिटी, तो वर्च्यू मीन्स गुड होना, मोरालिटी होना, तो इग्नोमिनी का सिनोनिम हो जाएगा आपका डिस्ग्रेस, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वर्ड है और ये भी पॉजिटिव वर्ड है, एक ही आपका नेगेटिव वर्ड है इग्नोमिनी, है ना गाइस, इनसे दूर रहो इग्नोमिनी, ठीक है। जो इनसे, जिनको आपको इग्नोर करना चाहिए, इसका ट्रिक मैंने ये किया था कि इनको इग्नोर करो, बिकॉज दे आर इग्नोमिनी, दे आर डिस्ग्रेसफुल, राइट। बचपन से ही घर वाले कहते आ रहे हैं कि इन दोस्तों से दूर रहो, तुम्हारी संगति जो है तुमको खराब कर देगी। तो इग्नोर दिस पीपल बिकॉज दे आर इग्नोमिनी, दे आर डिस्ग्रेसफुल, है ना, बिकॉज दे आर डिस्ग्रेसफुल। मैम जी, आपके चैनल का प्रचार क्यों नहीं हो रहा, या तो पीआर हायर करें हमें, या हम बच्चे को रोज पढ़ाओ तब जाकर प्रचार होगा। यार रोज तो मैं पढ़ा रही हूँ, बीच में छुट्टी में चले गई थी, बाकी रोज तो पढ़ा रही हूँ, बाकी पीआर वीआर मैंने कुछ करा नहीं है। और मुझे लगता है यार, जो चीज जेन्युइन होती है ना, जो चीज रियल होती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, मगर वो चीज स्टूडेंट्स तक रीच कर लेती है। अगर मैं तुम्हें अच्छा पढ़ा रही हूँ, तो तुम लोग, वो हर स्टूडेंट तक पहुंचेगा, आज नहीं तो कल। तो मुझे वो ज्यादा ओरिजिनल लगती है चीजें, और मैं ओरिजिनल पे काम करने पर ना ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि ओरिजिनलिटी जो है ना, उसमें डर नहीं होता, खतरा नहीं होता कि यार खत्म हो जाएगी, बिकॉज वो हार्डवर्क से बनी होती है, तो मैं उसी पर फोकस कर रही हूँ, ठीक है। चलो, इंसिसेंट, ये वर्ड हमने अभी किया, इंसिसेंट का मतलब होता है बिना रुके, ये वर्ड हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, ओके। ओपिनियन का सिनोनिम, बहुत सिंपल वर्ड है, ओपिनियन का सिनोनिम क्या है, सेंस है, चांस है, व्यू है या फिर विजडम है। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्विकली बताएंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे, ओके। वो तो भाई की शादी थी इसलिए छुट्टी थी, बाकी तो रेगुलर है मैम, वही बस रेगुलर तो हूँ, बस घर तो जाना था ना, कुछ फैमिली भी इंपॉर्टेंट होती है। चलो, ओपिनियन का सेंस आप जानते हैं, चांस आप जानते हैं, व्यू आप जानते हैं, विजडम का मतलब होता है समझदारी, कि आप में विजडम है या नहीं। कोई आपसे पूछे यार आप में विजडम है नहीं, तो मुझे मतलब इसका मतलब क्या होता है, मतलब बस समझ में आगे रहने दो, अब आंसर देने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, तो विजडम का मतलब होता है किसी चीज, ओपिनियन का मतलब होता है किसी चीज का आपका व्यू है, बोलते ना आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बात में, आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, राय है ना, इसे हम कहते हैं राय। लाइक बेटा मैं बता दूंगा,